किसान साथियों, आज की वीडियो कॉटन किसानों के लिए यानी नरमा कपास किसानों के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखिएगा, तभी आप इसका फायदा उठा पाओगे। आज का अपना टॉपिक रहेगा नरमा कपास यानी कॉटन के अंदर ट्रे रोप यानी जो अपना पास है इसको कैसे लगाएं ताकि अपना जो पिंक बोलवर्म यानी गुलाबी सुंडी का अटैक कब से कम हो। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आपको मिलेगा कहां से, कितनी कॉस्ट आ जाएगी प्रति एकड़ के हिसाब से और लगाने का क्या तरीका रहता है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा gaijan.com से मैंने ये मंगवाया है। एक एकड़ के अंदर लगाने के लिए अपने एक बॉक्स के अंदर 10 अपने को ट्रैप मिल गए और इसके अंदर डालने के लिए जो कैप्सूल या लूर जिसे बोला जाता है 10 ही वो मिल गए। कॉस्ट की अगर बात करूं तो ये अपने को टोटल डिलीवरी सहित 900 रुपए में मिला है। इसको आप भी मंगवा सकते हैं, उसका तरीका आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं और आपको घर पे इसकी डिलीवरी मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं कि ट्रैप क्यों जरूरी होता है, इसको लगाने का तरीका क्या रहेगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसा आप सभी जानते हैं पिछले साल पूरे यानी उत्तर भारत की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा अटैक कॉटन का अंदर पिंक बोलवरम का हुआ, जिसके चलते उत्पादन यूं कहें कि आधे से भी कम रह गया। हालांकि राजस्थान का कुछ एक एरिया बचा था जहां पे पिंक बोलवरम का अटैक नहीं देखा गया, बाकी जगहों पर यूं कहें कि उत्पादन 0 के बराबर भी कई जगहों पर हो गया था। किसानों ने काफी ज्यादा नुकसान झेला। ये तो ठीक ठाक रहा कि अपने को भाव अच्छा मिल गया, जिसके चलते किसानों का कुछ ना कुछ आर्थिक नुकसान कम हुआ, जिससे किसान यूं कह सकते हैं कि बच गए। लेकिन इस साल अभी भी अगर बात करें तो हरियाणा पंजाब के कुछ एक किसानों ने ऐसे वीडियोज सोशल मीडिया पे डाल रखे हैं कि अभी से अटैक नरमा के अंदर हो चुका है और होगा भी आगे चल करके, क्योंकि जो सुंडी है वो अभी भी अपने खेतों में जीवित अवस्था में है और जैसे ही एक ऐसी स्टेज आएगी, जैसे ये पौधा आप देख पा रहे हैं इसके अंदर फ्लोरिंग है और फ्रूटिंग शुरू हो चुकी है, तो जैसे ही ये स्टेज आती है तो वो अपने खेत में, जैसे लकड़ियों में है तो लकड़ियों से निकलकर पौधों पर आ जाएगी, जमीन में है तो जमीन से भी आ जाएगी। तो इसके कुछ तरीके हैं कैसे इसको कंट्रोल कर सकते हैं। सीधा आपका टाइम वेस्ट न करते हुए बात करूंगा ट्रैप लगाने का तरीका क्या होता है। सबसे पहले जब आप जो आपकी फसल है 45 से 50 दिनों की हो जाए, आप पहला पानी लगा दें, या फिर यूं कहें कि जब आपकी नरमा कपास की फसल में फूल आने लग जाए तो आपको ये मानना है कि अब अपने को ट्रैप लगाने की जरूरत है। सबसे पहले आप चौकीदारी के रूप में यानी मॉनिटरिंग के लिए एक एकड़ में सिर्फ चारों कोनों पर 4 ट्रैप लगा दें, जिससे आपका जो ट्रैप है वो आपकी फसल की चौकीदारी करना शुरू कर देगा। और ये मान के चलिए जब आपके एक ट्रैप, जैसे आप देख सकते हैं एक पॉलीथीन के अंदर आपको हर रोज 5 से 6 मक्खियां देखने को मिले, तो आपको ये मानना है कि आपकी फसल में पिंक बोलवरम यानी जो गुलाबी सुंडी है उसका अटैक शुरू हो चुका है, इसकी तितलियां आपको इसमें फंसी हुई नजर आने लगेगी। जैसे ही आपको 5 से 6 जो तितलियां इसमें फंसी हुई नजर आए तो आपको ये मानना है कि अब आपको इनकी संख्या बढ़ानी है, तब आप इसको प्रति एकड़ 8 से 10 ट्रैप लगाने होंगे। लगाने का तरीका ये रहता है, जैसे कोई भी आप मजबूत लकड़ी लें, इसको तकरीबन 1 से 1.5 फीट आप जमीन में गहराई में दबा दें ताकि अगर दीमक वगैरह का प्रभाव भी हो तो ये जल्दी से खत्म ना हो और अगर तेज आंधी भी आए तो ये गिरे नहीं। अब बात ये आती है कि इसको लगाए कैसे। जैसे अपने डंडा अपने जमीन में गाड़ दिया तो जितनी अपनी फसल की हाइट है उससे कम से कम 0.5 फीट और ज्यादा से ज्यादा आप 1 फीट तक ऊंचाई पे इसको बांध सकते हैं। बांधने का तरीका ये रहेगा, जैसे मैं आपको अभी दिखा देता हूं, मेरे हाथ में ट्रैप जो देख पा रहे हैं इसमें एक इस तरीके का सिस्टम दिया गया है। इसको आपको लकड़ी के सहायते, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये अपनी लकड़ी है तो इसके सहारे आपको ऐसे बांधना है इसको, और कोई भी रस्सी की सहायता से आप इसको बांध दें। और जैसे ही आपकी फसल की लगभग 0.5 फीट से 1 फीट ऊंचाई पे आप इसको बांधेंगे और नीचे से, जैसे मैंने आपको दिखाई ये पॉलीथीन है, इसको आप खोलिए और नीचे से भी आप इसको बांध देना है। जैसे ही कोई भी मक्खी आएगी इसके अंदर घुसेगी तो इसके अंदर जो पाउडर सा आप देख पा रहे हैं ये भी एक अच्छी सुगंध उत्पन्न करता है, जिसके चलते ही जो मेल है तितलियों के जो नर है वो इसके अंदर आकर के फंस जाएंगे, उनको एक ऐसी सुगंध आएगी कि इसके अंदर मादा मक्खी है और वो क्रॉस यानी निषेचन के लिए इसके अंदर आएंगे, और जैसे जैसे नर है इसमें खत्म हो जाएंगे तो उनकी आगे कॉलोनी नहीं बढ़ेगी, क्योंकि जब नर और मादा का निषेचन नहीं होगा, क्रॉस नहीं होगा, तो उनकी कॉलोनी आगे नहीं बढ़ेगी और आप उनको आसानी से कंट्रोल में कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले आप एक एकड़ के अंदर 4 लगाएंगे, जैसे ही आपको 5 से 6 मक्खियां हर रोज नजर आने लगे तो आप इसको प्रति एकड़ 8 से 10 तक पहुंचाएं, और जैसे इसमें और ज्यादा तादाद आपको लगे कि काफी ज्यादा अटैक हो चुका है तो आप इसको 15 से 20 तक भी पहुंचा सकते हैं। काफी ज्यादा कंट्रोल इससे आपका हो जाएगा, क्योंकि यदि आप इसमें पेस्टिसाइड छिड़काव करते हैं तो आपको शाकाहारी के साथ मांसाहारी कीट भी मर जाते हैं, और जिससे जो गुलाबी सुंडी है उसको खाने वाले मित्र कीट हैं वो भी मर जाएंगे, तो उसको कंट्रोल करना काफी हद तक मुश्किल हो जाएगा। और गुलाबी सुंडी अगर एक बार टिंडे में प्रवेश कर गई तो ऐसी कोई दवा अभी तक नहीं बनी है जो उसको अंदर जाकर के मार सके, तो इसको मारने का सिर्फ यही तरीका है कि इसकी कॉलोनी को आगे बढ़ने से रोका जाए, जिसमें अपने ट्रैप ही काफी ज्यादा कामयाब होगा। अभी किसान भाइयों, मैं इसकी कुछ सावधानियां भी आपको बता देता हूं।
सबसे पहले आपको ध्यान में ये रखना है कि जैसे आपने इसको ट्रेप को लगा दिया, ये पॉलिथीन है, इसको नीचे से बांध के रखिए ताकि जो मक्खी है इसमें आए और नीचे से पार ना निकले। इसके अंदर वो मरती रहेगी और एक चीज ये रहेगी कि इसके अंदर जो मक्खियां मर जाएगी वो एक ऐसी स्मेल उत्पन्न करेगी जिससे जैसे कोई शाकाहारी जो मांसाहारी जो जीव है जैसे कुत्ता है तो उसको ये लगेगा कि यहाँ पे मीट पड़ा है या कुछ मतलब मांस इत्यादि पड़ा है, तो वो इस पॉलिथीन को डैमेज कर सकते हैं। अगर आप इसको थोड़ा सा ऊंचाई पे रखेंगे या फिर अपने खेत के अंदर आप ध्यान रखें कि कुत्ता अगर घुसता है तो उससे बचाएं, क्योंकि उसको मीट की सुगंध आएगी तो वो इस लिफाफे को पार देगा जिससे फिर आपका ये ट्रेप फैल हो जाएगा। इसके अलावा एक चीज का ये ध्यान रखना है, जब भी आप अपने खेत में कोई भी पेस्टिसाइड छिड़काव करते हैं तो डायरेक्ट इसके टच में यानी इसके ऊपर स्प्रे ना लगे, क्योंकि इसके ऊपर स्प्रे लगेगी अगर कुछ बूंदे इसके अंदर चली गई या इसमें प्रवेश कर गई तो जो ट्रेप की या लूर की जो सुगंध है वो खत्म हो जाएगी, उसकी जो पेस्टिसाइड की सुगंध है वो ज्यादा आएगी जिससे मक्खियां इसके अंदर आकर्षित नहीं होगी, तो एक ही चीज का ध्यान रखें। इसके अलावा जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये अपने को कैप्सूल या लूर जिसे कहा जाता है इसको लगाना होता है। लगाने के लिए आप इसको कैंची की सहायता से काटेंगे और इसके अंदर जो कैप्सूल है उसको हाथ से टच नहीं करना है, क्योंकि यदि आप उसको हाथ लगा देंगे तो उसकी जो नेचुरलिटी है उसका जो सुगंध है वो कहीं ना कहीं थोड़ी मिक्स हो जाएगी और उसको अंदर जो मक्खियां हैं वो कम आकर्षित होगी। तो आप इसको काटें या तो आप हाथों में ग्लव्स डाल लें या फिर आप इसी के अंदर पॉलिथीन के अंदर इसको इसके अंदर सेट करेंगे, जो आप ये देख पा रहे हैं इस कैप्सूल को इसके अंदर डालना है। इसको लगाने के बाद आप इसके ऊपर लगा करके छोड़ दीजिए, जैसा कि मैं अभी आपको दिखा भी देता हूं। देखिए किसान भाइयों, आप देख सकते हैं इधर मैंने लूर या कैप्सूल लगाया है, ये बीच वाले के अंदर लगाना है और इसके अंदर जो बाद में ये जो तीन कोने दिए हुए हैं इनको अच्छे से इसके अंदर फिट कर देना है। अब ये इसके अंदर स्थायी हो जाएगा, गिरेगा नहीं और बरसात का पानी इसमें नहीं जाएगा और इसके अंदर से जो स्पेस दिया गया है जो नर फूल जो नर तितलियां हैं वो इसके अंदर जाकर के मर जाएगी। तो यूं कह सकते हैं कि काफी अच्छा मेथड है कंट्रोल करने का पिंक बोलवर्म यानी गुलाबी सुंडी का अटैक अगर नहीं होगा तो। अभी जो फिलहाल भाव चल रहे कॉटन के 13 से 14 हजार रुपए प्रति क्विंटल, अगर भाव भी ठीक ठाक रह जाते हैं और प्रकृति साथ दे दे उत्पादन अच्छा हो जाए तो कहीं ना कहीं किसानों की इस साल चांदी हो सकती है। अब लास्ट में आप किसानों के ये भी मन में आएगा कि हम इसको कैसे मंगवाएं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही जिक्र किया वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जैसा कि मैंने gaijaan.com से इसको मंगवाया है तो वहां से भी आप ले सकते हैं या फिर फ्लिपकार्ट अमेजोन जो ई कॉमर्स वेबसाइट है वहां पे भी ये आपको आसानी से मिल जाएगा। आप घर बैठे इसको ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं और प्रति एकड़ 800-900 रुपए का खर्चा आएगा और इससे आपका उत्पादन प्रभावित होने से आप बचा सकते हैं। इसके अलावा यदि आपके मन में कोई भी डाउट शंका या सवाल है कैसे लगाना है क्या सावधानियां रखनी है तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, अगर फिर भी कुछ रह गया है तो आप अपना सवाल वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारी भरपूर कोशिश रहेगी आपके हर एक कमेंट का एक स्टिक जवाब मिले। वीडियो पसंद आए तो इसे अधिक से अधिक लाइक व शेयर जरूर करें और ज्यादा मैं नहीं कहता आपको कभी भी इसको शेयर करो, लेकिन इस वीडियो को जितने भी कॉटन किसान आपके जानकार हैं उन तक जरूर पहुंचाएं ताकि वो भी अपनी कॉटन की फसल को प्रभावित होने से बचा सके। थैंक यू।